रेवाड़ी जिले के गांव गोठरा की तर्ज पर आज राजगढ़ के सरकारी स्कूल की छात्राओं ने भी छेड़छाड़ से परेशान होकर स्कूल को 12वीं तक अपग्रेड करवाने की मांग को लेकर स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया और स्कूल के गेट पर ही धरने पर बैठ गई छात्राओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए SDM व जिला शिक्षा अधिकारी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए और छात्राओं व अभिभावकों को समझाने का प्रयास करते रहे, लेकिन वो किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं हुए। उनका साफ तौर पर कहना था कि कई बार नेताओं ने स्कूल अपग्रेड करने के झूठे आश्वासन दिए, लेकिन अब तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा जब तक सरकार इस स्कूल को 12वीं तक अपग्रेड नहीं करती। इस दौरान एक छात्रा की तबीयत खराब होने के कारण वह बेहोश हो गई। छात्राओं व अभिभावकों की माने तो इस स्कूल को अपग्रेड करवाने की मांग पिछले 3 वर्षों से चल रही है। जिला शिक्षा अधिकारी के अनुसार स्कूल को अपग्रेड करने के पहले ही सरकार को पत्र लिखे जा चुके हैं, लेकिन नॉर्मर्स पूरे होने के कारण काम अधूरा है। जैसे ही नॉर्मर्स पूरे होंगे स्कूल अपग्रेड की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वहीं इस मामले को लेकर SDM का भी यही कहना है कि स्कूल में बच्चे काफ़ी कम हैं, फिर भी सरकार से बात हो रही है। नॉर्मर्स पूरे होने के बाद आगे की कार्रवाई जल्द होने की उम्मीद है। रेवाड़ी से JAT TV न्यूज़ के लिए अजय अत्रे की रिपोर्ट। हमें प्रॉब्लम ये है सर कि हमारे स्कूल में 10th तक स्कूल है, हमने 10th के पेपर दिए हैं, एग्जाम हमारे होले रिजल्ट अभी आए नहीं है, इसलिए हमें कहना चाहते हैं कि हम पास हो गए हैं तो हम किस स्कूल में पढ़े, कहाँ जाए। ऐसे 10 किलोमीटर स्कूल आगे है तो हमें आने जाने के लिए दिक्कत है, लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है रास्ते में। क्या कुछ मांगे तुम्हारी, क्या कुछ मांगे तुम्हारी सरकार से? सरकार से हमारी मांग है कि हमारे स्कूल को अपग्रेडेड करवा दो। अब बीच में पढ़ी पढ़ती है, कई बार तो बस खराब हो जाती है, हमारे यूनिट टेस्ट चलते समय पर यूनिट टेस्ट रह जाते हैं, फिर मैडम मास्टर लड़ते कि तो नहीं यूनिट टेस्ट क्यों नहीं दिए, और बल्कि कई बार बस खराब हो जाती है, हमें पढ़ने से पैदल आना पड़ता है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है बस। क्या कुछ डिमांड है तुम्हारी? हमारी डिमांड यही है कि हमारे प्रश्न को स्कूल करवा दो। सरकार कह रही है कि बेटियों को पढ़ाओ और बेटियों को बचाओ, तो बेटियों को बचा तो लेकिन लेकिन पढ़ाएंगे कहाँ? जब सरकार हमें सुविधा नहीं देगी तो हम कहाँ से पढ़ाएंगे बेटियों को? जब हम सरकार से स्वास्थ्य मंत्री से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि सर हमारे स्कूल प्लस टू करवा दो, जो कि हमारे गांव की बेटियां प्लस टू कर लें। परेशानी ये है कि आजकल जमाना नहीं है, तो हमें अब ये चाहिए कि हमारे बच्चों का 12वीं तक स्कूल होना चाहिए। और ले लो। मेरा नाम महेंद्र शर्मा, गांव राजगढ़। शर्मा जी, स्कूल के ताला लगा दिया आप लोगों ने, क्या कहेंगे? ये बहुत हमें मजबूर होकर ताला लगाना पड़ा है, हमें 10 साल हो गए मंत्रियों के पास घूमते घूमते, मंत्रियों ने कोई जवाब, झूठा आश्वासन देके हमें भेज देते हैं। नाते ये है कि जैसे नॉर्म जो स्कूल पूरा करता है उसका केस हमने पहले भेज रखा है, इनका नॉर्म पूरा करता है तो ऊपर से बना देते हैं, सरकार ने बनाना होता प्लस टू। तो क्या इनका केस भेजा हुआ आपने? पहले भेजा हुआ था, इन्होंने अपने स्तर पे कराना होता है, जैसे 150 बच्चे होने चाहिए उसमें हो जाए। अभी तो बात यही है कि जो नॉर्म्स हैं गवर्नमेंट के, उसके तहत स्कूल अगर नॉर्म पूरे करता है तो अपग्रेड करने में कोई आपत्ति नहीं है। अभी गांव वालों की तरफ से इस तरह की कोई डिमांड आई नहीं है, लेकिन अगर आती है तो ज़रूर इसके बारे में कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाला जा सकता है।